कब उठा है? मुझे जगाया क्यों नहीं? ओह क्या टाइम हो गया? ओह शिट, 12:30 बजे दिशा के आने का टाइम हो गया। भाई क्यों उठाया? ऐसे कोई देख लेगा ना, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चेक करो टाइम। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचे तुम दोनों? क्यों क्या हुआ? अच्छा, एक दिन लग जाएगा ठीक होने में। ठीक है, जरा दिशा का फोन लेना। हेलो दिशा बेटा, हाउ यू? वो आपका अच्छे से ख्याल रख रही है ना? अच्छा बेटा, प्लीज रोना बंद करो, पापा कहीं नहीं जा रहे हैं, पापा यहीं हैं। बेटा पापा भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बस एक दिन का तो सवाल है, कल बुआ आपको लेके आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँ आपको लेने। तो पहले आप एक मुझे प्रॉमिस करो कि आप रोना बंद कर दोगे। हाँ दैट्स गुड गर्ल, ठीक है। अच्छा ठीक है, जल्दी से पैक करो अपना सामान, पापा तुरंत आ रहे हैं आपको लेने। ओके ठीक है। तू कहाँ चले? तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे? सब कुछ जानते तो हो तुम, फिर ये जिद क्यों? थक गया हूं सबको समझाते समझाते, दुनिया से अपनों से झूठ बोलते। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाता, पर तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। प्लीज बाहर आ जाओ, ऐसा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी घुटन हो रही है, मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, गलती मेरी है, मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता। पर क्या करूं, मैं खुद में अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया हूं कि मुझ में अब प्यार करने की हिम्मत भी नहीं बची। तुम्हें पता है रागिनी की डेथ के बाद दिशा बिल्कुल अकेली हो गई, बिल्कुल चुप हो गई है, किससे बात नहीं करती। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। रागिनी के बाद मैं इतना क्लोज किसी के साथ नहीं हुआ। कभी खुद को पहचानने की, समझने की, फिर से प्यार करने की कोशिश नहीं की मैंने। पर फिर तुम आए, तुम्हारे साथ वक्त बिताते हुए अपनी खोई हुई पहचान से सामना हुआ, एहसास से सामना हुआ। कितना खूबसूरत है यह एहसास का महसूस करना, कितना खूबसूरत है फिर से प्यार करना। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, कि प्यार करने की आजादी तो है पर महसूस करने का हक नहीं। करीब आने की चाह तो है, प्यार करने की